स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। वीडियो में दिखाए गए सभी बातें काल्पनिक है। हमारा मकसद एंटरटेन करना है, इसलिए किसी भी बात को आप सीरियसली ना लें। और वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ऐसी हॉर एंड न्यू वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए। तो आज की कहानी शुरू होती है एक वरुण नाम के लड़के से, जो अपने रात को नाइट शिफ्ट करते समय अपना बचा हुआ काम पूरा कर रहा था। उसके ऑफिस में सारे जितने भी कर्मचारी थे वो सभी जा चुके थे। अब वरुण ऑफिस में बिल्कुल अकेला था। वरुण को डर लग रहा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसने अपना बचा हुआ काम पूरा करना था। वरुण अपने ऑफिस में रात को 2 बजे तक अपने ऑफिस में काम करता रहता है। जब रात के 3 बजे बजते हैं, वरुण को अपने ऑफिस के किसी रूम से एक आवाज आती है। पास जाकर देखता है तो वहां पर उसे किसी की चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वरुण हैरान हो जाता है। ऑफिस में तो कोई भी नहीं था। तो मेरे अलावा ऑफिस में और कौन है? वरुण को लगता है कि शायद वो वॉचमैन होगा और जल्दी से वॉचमैन को कॉल करता है और वो पूछता है, तुम कहां पर हो? तुमसे कहा था ना कि बिना पूछे ऑफिस में बिल्कुल मत आना। वॉचमैन कहता है, मैं तो ऑफिस आया ही नहीं, आज मैं छुट्टी लेकर अपने दोस्त के घर गया था सर। उसकी दोस्त की शादी थी, इस वजह से वॉचमैन भी छुट्टी पर था। और अब वरुण को थोड़ा डर लगने लग जाता है क्योंकि उसे पूरी तरह से पता लग चुका था, अब तो ऑफिस में कोई भी नहीं है। सिवाय उसके क्योंकि अब वॉचमैन भी जा चुका था। और कुछ देर में वरुण को फिर से आवाज आती है। जैसे उसे कोई बुला रहा हो, वरुण मेरे पास आओ। वो आवाज वरुण को बिल्डिंग से छलांग लगाने के लिए कहती है। इतनी में ही वरुण अपने आप को उस मोहित आवाज से अपने आप को निकलता है और जल्दी वहां से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह वरुण को पता चलता है कि उस बिल्डिंग में एक औरत ने अपने पति को उस बिल्डिंग से धक्का देकर मार दिया था क्योंकि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर था।
वो औरत ने भी अपने आप को उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके वजह से वो औरत आज भी लोगों को वो दिखाई और सुनाई देती है।